दोस्तों नमस्कार। आज ही के दिन वैशाली में नए जिलाध्यक्ष की चुनाव हुआ है। मालूम है नए जिलाध्यक्ष की चुनाव क्यों हुआ है? जब पहले से एक जिलाध्यक्ष था ही तो फिर दूसरा जिलाध्यक्ष चुनाव करने की क्या जरूरत थी? कुछ लोग यह कहते हैं कि प्रखंड की तैयारी कीजिए, जिला की तैयारी कीजिए। मतलब हम लोग 3 साल से प्रखंड की तैयारी और जिला की तैयारी कर रहे हैं, कब तक हम लोग प्रखंड और जिला की तैयारी करेंगे? कुछ लोगों को लालच है प्रदेश अध्यक्ष की, कुछ लोगों की लालच है तो जिला अध्यक्ष की। बस इसी अध्यक्ष पद में कुछ लोगों को अझुराकर रह जाने की मानसिकता है, और इसके अंदर की भावना क्या है आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आखिर यह कुर्सी के लालच में ये लोग क्यों पड़े हुए हैं। इस संगठन को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर है तो वह है भागवत ठाकुर और चुम्मन चौधरी। इन दोनों लोगों के कारण पूरे बिहार के अनुरक्षक जगा हुआ है, नहीं तो अनुरक्षक का कहीं नाम निशान नहीं रहता। क्योंकि जो भी लोग बार बार सोए हैं उन लोगों को हम लोग दोनों आदमी ने जगाने की कोशिश किया है। कुछ लोग कहते हैं भागवत ठाकुर को कि चुम्मन चौधरी से आप नाता तोड़ लीजिए, उनसे आप अलग हो जाइए। ये नफरत कराने वाले लोग इसी तरह फोन कर के पूरे जिला में यही कहते हैं कि आप उससे नाता तोड़ लीजिए, आप उससे नाता तोड़ लीजिए। क्यों भाई नाता क्यों किसी से तोड़ेगा? तो कुछ लोग मेरे संगठन में, मेरे अनुरक्षक में ऐसे लोग आ चुके हुए हैं कि फोन के माध्यम से जहां तहां नाता तोड़ने की बात करते रहते हैं। चाहे आप जितना भी झगड़ा लगा लीजिए, हम अनुरक्षक के अधिकार के लिए अगर लड़ रहे हैं तो हम अंतिम तक लड़ते रहेंगे। और जिनको जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष की लालच है वो अपना लालच में पड़े रहे, हमें तो अब पटना में लड़ाई करना है, अब हमें पटना की तैयारी करना है, अब हमें पीएचडी मंत्री से बार बार मिलना है, अब हमें पंचायत मंत्री से बार बार मिलना है, और अब हमें बिहार के उन लोगों को, उन अनुरक्षक को इकट्ठा करके पटना में बुलाने के काम करना है जो लोग अभी तक जगे हुए हैं, उन लोगों को अब पटना की तैयारी करना है। अगर सभी लोगों से मिलने के बाद अगर कोई काम नहीं होता है तो हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करेंगे, और पटना के बाद भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हम लोग अपना अधिकार लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमें किसी कुर्सी की कोई लालच नहीं है। बस मैंने 27 तारीख के मीटिंग में भी पटना में बोल दिया था, मैं दिन रात अगर सोचता हूँ तो अनुरक्षक के लिए सोचता हूँ, जब मैं रात में सोता हूँ तब भी अनुरक्षक के लिए ही सोचता हूँ, यह मेरे पास जुनून है। जो लोग हम के बीमारी जिन लोगों को है वो कृपया हम की बीमारी को हटा दे। यह कुछ लोग सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जो करेंगे वही होगा। नतीजा समस्तीपुर में 2 जिलाध्यक्ष बन गया, वैशाली में 2 जिलाध्यक्ष बन गया, और हमारे मुजफ्फरपुर में देखिए हमारे मुजफ्फरपुर में मैं शुरू से ही अनुरक्षक की लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ, आवाज उठाते आ रहा हूँ, लेकिन मैं कभी मुजफ्फरपुर का जिलाध्यक्ष बना
नहीं बना। मुजफ्फरपुर से भागवत ठाकुर भी है, मुजफ्फरपुर से हम भी है। हम लोग चाहते तो जिलाध्यक्ष बन सकते थे लेकिन नहीं बने। और प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं ना, जिनको भी जरूरत होगा मांग लीजिएगा, मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष की रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष की रजिस्ट्रेशन है, मैं उनको दे दूंगा। लेकिन आज भी अभी भी मैं कह रहा हूं कि मुझे किसी प्रकार के कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं करनी है, हमें अनुरक्षक के हक और अधिकार के लिए लड़ना है। कुछ लोग यह कहते हैं कि चुमन जी चंदन दुबे के गोद में जाकर बैठ गए, तो आप भूल गए होंगे कि मैं उनके साथ रहता हूं जो लोग काम करते हैं, और जिनका मोबाइल नंबर मैं YouTube चैनल पर डालता हूं, उसको जो है बिहार के सभी लोग जान जाते हैं। YouTube पर मैं डालता हूं, तब इससे पहले कोई किसी को जानता था क्या कि कौन प्रदेश अध्यक्ष है और कौन जिला अध्यक्ष है? मैंने जितेंद्र दुबे के साथ भी था, मैंने दीपक सिंह के भी साथ था, मैंने जितेंद्र कुशवाहा के भी साथ हूँ, मैंने प्रेमनाथ भारती के भी साथ हूँ, मैं बिहार के तमाम लोगों के साथ हूँ। लेकिन जिन लोगों को हम पसंद नहीं हैं, जो लोग हमसे बात करना नहीं चाहता है, ना करें, हमको इससे क्या मतलब है। लेकिन जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं उनसे मैं बात करूंगा, और जो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं ना फोन करके कि ये 15 लाख ले लिया, वो 15 लाख ले लिया, वो 15 लाख ले लिया, झूठ जो बोलते हैं उनके साथ बैठकर हिसाब का नहीं कर लेते हैं। प्रचार करना बंद कर दीजिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए, और नल जल अनुरक्षक के अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, नहीं तो जब तक आप लोगों के पास हम के बीमारी रहेगा कि हम जो चाहेंगे वही होना चाहिए, वहाँ बस वही होगा जो अभी होते आ रहा है। वैशाली में 2 जिलाध्यक्ष हो गया, तो आगे आप कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कहिए। और वैशाली के जिलाध्यक्ष, नए जिलाध्यक्ष कौन बने हैं, ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को सब पता चल जाएगा, कमेंट के माध्यम से भी पता चल जाएगा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगा कि वैशाली में नए जिलाध्यक्ष किन को मनोनीत किया गया, कौन बना। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय अनुरक्षक।